यह दोस्तों एक कैमरे वाला ड्रोन जो कि आप लोगों को मीशो के ऊपर देखने के लिए मिलता है मात्र 2000 रुपए के अंदर। और आज जो हम लोग इसी ड्रोन को जो अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे, बताऊंगा आप लोगों को क्या कुछ फीचर आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है एंड क्या 2000 रुपए के बजट में आप लोगों को इस कैमरे को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं परचेस करना चाहिए, सारी सारी बातें करेंगे। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट से चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। सामने की साइड में यहाँ पर आप लोगों को जो एक बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है जिसके ऊपर कि आप लोगों को ड्रोन का फोटो देखने के लिए मिल जाता है। बॉक्स को यहाँ से रिमूव करते ही आप लोगों को और एक व्हाइट बॉक्स देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को ड्रोन रखा हुआ मिल जाएगा एंड उसके साथ साथ आप लोगों को एक कंट्रोलर देखने के लिए मिलता है। अगर ड्रोन की बिल्ड की बात कर ले तो काफी ज्यादा प्रीमियम एंड काफी ज्यादा क्लासी बिल्ड आप लोगों को इस ड्रोन की देखने के लिए मिल रही है। इसको देख के कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये जो एक चीप ड्रोन है, ऐसा लग रहा है कम से कम जो 12 से 15 हजार रुपए का जो एक ड्रोन है। एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर एक जो कंट्रोलर दिया गया है जिसकी मदद से आप लोग जो ड्रोन को कंट्रोल कर पाएंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को कुछ पेपर वर्क देखने के लिए मिल जाता है जिसकी मदद से आप लोगों को एक ऐप को डाउनलोड करना है जिसके बाद कि ये ड्रोन एंड वो ऐप आपस में कनेक्ट होंगे एंड आप लोग जो है अपने फोन में लाइव व्यू देख पाएंगे कि कैसा इसका कैमरा आप लोगों को वीडियो का आउटपुट देने वाला है, तो वो चीज आप लोग चेक कर पाएंगे। तो फटाफट से हम लोग जो ड्रोन को फ्लाई करके देख लेते हैं। तो जैसा जिस टाइम पे भाई ये ड्रोन को फ्लाई कर रहा हूं भाई काफी ज्यादा हवा चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी दोस्तों कि जो बड़ा वाला फैंटम आता है DJI का वो भी डगमगा जाए, लेकिन दोस्तों कम से कम ये जो ड्रोन था भाई ये सर्वाइव कर पा रहा है। तो भाई वीडियो जो है वो जो है आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो है लेयर में ऐड कर दिए। अच्छा दोस्तों इसकी जो वीडियो क्वालिटी थी भाई वो जो है ठीक ठीक थी, मतलब एकदम ज्यादा आप लोग जो है प्रोफेशनल लेवल की से जो वीडियो क्वालिटी एक्सपेक्ट ना करें। यहाँ पर मैं दोस्तों कंपनी जो क्लेम करती है कि आप लोगों को जिसके अंदर 4K कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों जो कैमरा है वो जो भाई HD क्वालिटी का कैमरा मैं इसको बोलूँगा, ठीक है। और दोस्तों तो यहाँ पर मैं दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई इसकी जो हाइट है वो सही में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जो है चले जाता है। आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कम लैग आपको इसके अंदर देखने में मिलेगा। एक दोस्तों अगर आप जो है ज़्यादा ऊंचाई पर भी दोस्तों आप लोग जो ले जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई से दोस्तों मेरा मतलब है कि अगर आप लोग जिसको फुल ऊंचाई पर ले जाते हैं दोस्तों मेरी तरह दोस्तों अगर आप जो है काम करते हैं कि मैक्स हाइट है, ठीक है, यहाँ इतनी दूर तक जो है ये जो सिग्नल जो है आराम से जो है कैच कर लो। आप लोगों ने देखा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से ड्रोन जो फ्लाई होता है एंड उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को इस ड्रोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है। एंड बजट में आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप लोग एक बिगनर है, आप लोग एक बड़ा ड्रोन लेने का सोच रहे हैं, तब अगर आप लोग जो ड्रोन चलाना सीखना चाहते हैं तब इस ड्रोन को परचेज करने के बाद आप लोग जो सीख सकते हैं, जिसके बाद कि जो बड़ा ड्रोन होते हैं DJI के जो ड्रोन होते हैं उसको ऑपरेट करने में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड आप लोग कोई जो हैवी डैमेज नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई आप लोगों ने वो वाला ड्रोन ले लिया एंड आप लोग जो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, आप लोगों ने उसको तोड़ दिया, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ नहीं होगी। उससे बचने के लिए आप लोग इस ड्रोन को ले सकते हैं। लेकिन अगर इस ड्रोन की कैमरा क्वालिटी देखी तो इतनी कोई खास कैमरा क्वालिटी आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिल रही है। आप लोग काम चल जाएगा लेकिन मज़ा आप लोगों को नहीं आएगा। आप लोग इसकी वीडियो को कहीं भी अपलोड नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा डिसेंट सा कैमरा आप लोगों को इस ड्रोन के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों बस इसी कारण थी ड्रोन अंडर 2000 की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस ड्रोन से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो नीचे जो कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल अभी इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत, अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।